एम श्योर सभी एक्साइटेड उसके लिए। तो फाउंडर पोजीशन जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट जब भी तक फाउंडर अलाउड होंगे वो डेट फिक्स हो चुकी है, वो एज सर को डेफिनेटली मालूम है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो एक अपने जो क्लोज फाउंडर्स है कोर ग्रुप, उनके साथ वो डिस्कस करें और वो डिस्कस करें कि वो ओपन करना चाहते हैं सभी फाउंडर्स को वो डेट, ऑप्शन नंबर वन ये उनका फर्स्ट ऑप्शन है, या सेकंड ऑप्शन ऐसा है कि वो नॉर्मली जैसे फाउंडरशिप चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और एक दिन सडनली आप जाग जाते हो और सिस्टम में देखते हो तो आपको समझ में आता है कि फाउंडरशिप अलाउड नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियरली बोला कि इसमें अभी बहुत लिमिटेड टाइम है, स्पेसिफिकली मंथ्स नहीं बोला, मंथ्स बोला नहीं यानी मंथ्स नहीं है, तो बहुत बहुत क्लोज है। तो डेफिनेटली वो एक्चुअली इतना भी बोले कि वो मे बी वो डिस्क्लोज भी करते, लेकिन वो पेंडिंग फाउंडर्स को एक लास्ट चांस देना चाहते थे। तो इसलिए अगर आपके पास पेंडिंग फाउंडर्स है तो प्लीज 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 ये मौका अभी, यानी ये अभी फाउंडर पोजीशंस डेफिनेटली क्लोज हो रही है बहुत ही जल्दी। उन्होंने क्लियरली बोला कि हमें फाउंडर्स की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फाउंडर्स की, और हम डेज काउंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि लीडर्स वेटिंग, ये टॉपिक इस बार मैंने जरा टॉपिक वाइज क्रिएट किया है अपडेट्स, तो मैं हर एक मेन टॉपिक है और उसके बारे में बताऊंगा। तो सेकंड टॉपिक है जो लीडर्स है जो ऑन पैसिव में वेटिंग में है बहुत। तो एस सर ने बोला कि उनको उनके पास बहुत लोग आए हैं, अप्रोच किए हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन एस सर ने बोला है कि मेरा अकाउंट नहीं है और उनको यानी वो ज्वाइन हुए नहीं है। तो ये बेसिकली जो बड़े बड़े लोग हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन होने वाले हैं, क्योंकि ये जो ऑन पैसिव के सर्विसेज है उनको बहुत जरूर पड़ने वाली है। और अगर एस सर के पास अगर अकाउंट नहीं है तो कहाँ पे ज्वाइन होने वाले हैं? तो कोई ना कोई लीडर के अंडर डेफिनेटली ज्वाइन होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत लिमिटेड टाइम हुआ है, टाइम बचा है फाउंडर्स के लिए, सो हो सकता है कि ये जो भी लीडर्स है वो एज ए यूजर्स ज्वाइन हो जाए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उन्होंने क्लियरली बताया कि बहुत लीडर्स वेटिंग में है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ से कस्टमर्स आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर ऑलरेडी हंटेड, तो कतार में है फाउंडर्स या यूजर्स ज्वाइन करने के लिए। तो वो एक ये था। नेक्स्ट उन्होंने सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला कि ये डन हुआ है, हमने ये करके दिखाया, डिस्कशन चालू रहेगी, लेकिन अभी बहुत ही जल्द ये जो प्रमोशन हो रहा है फाउंडर पोजीशन का वो अभी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कंप्लायंस डिपार्टमेंट के कंप्लायंस के बारे में थोड़ा बोला, कंप्लायंस और थोड़ा वो उन्होंने ये भी बोला कि वो एक डेवलप कर रहे हैं एआई सॉफ्टवेयर जो ट्रैक करेगा जो यूट्यूब के जो कमेंट्स और वो सब है वो ट्रैक करेगा, और जो बैड कमेंट्स है वो आइडेंटिफाई करेगा और ये रिकॉर्ड में रखा जाएगा। मे बी